तो छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया। सो अब मेरे बर्थडे पे आप लोग मुझे विश करोगे तो ये बनता है ना मेरे को कि मैं आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट दूँ। भले आप मुझे कुछ गिफ्ट दो कि ना दो, दे देना भाई बहुत सारे बेस्ट विशेस दे देना मुझे और क्या। चलो सो हियर इज माय बर्थडे गिफ्ट फॉर यू। सर कब है बर्थडे बताता हूँ, बट उसके पहले आप लोगों को मेरा रिटर्न गिफ्ट मिल जाएगा। बट वो रिटर्न गिफ्ट मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा हर उस आपके फ्रेंड एंड जूनियर के साथ जिसको सीए फाइनल का फायदा होने वाला है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको क्या लगता है मेरी एज क्या होगी, दिल से, मतलब दिल से मैं आपको कितना यंग लगता हूँ, ठीक है? रियल एज मत बता देना यार, कम ऑन यार। ओके सो हियर इज द फड़ा पोस्टर निकला हीरो मोमेंट। सीए फाइनल स्टूडेंट्स का काफी टाइम से एक रिक्वेस्ट था, एंड मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इंस्टीट्यूट ने ना ये बार एक वेबिनार लॉन्च किया है। वेबिनार में उन्होंने बताया कि क्या हर एक सब्जेक्ट का किसके ऊपर फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो वेबिनार में उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है दैट सीए फाइनल एएफएम में ना स्टूडेंट्स ने डिवाइड कर दिया है चैप्टर को, बराबर है? एंड एक्चुअली है भी, हमने भी डिवाइड किया हुआ है उसको कि भाई ये थ्योरी चैप्टर्स है और ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। फॉर एग्जाम्पल मर्जर्स एंड एक्विजिशन, आईएफएम, ये सब में से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। म्यूचुअल फंड, ये सब में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, और सिक्योरिटाइजेशन और ये सब से थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा। इंस्टीट्यूट बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन के ऊपर से रिवर्स टेक ओवर का थ्योरी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, राइट? या आईएफएम आईआरआर में से जीडीआर एडीआर का कुछ क्वेश्चन आ जाए। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। इन शॉर्ट थ्योरी जो अराउंड 25 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, एंड अगर अपन लोग ने उसको बराबर कर लिया देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स इन दैट थियोरी। उतनी अच्छी तरह से अपने को करके जाना है, स्पेशली एमसीक्यू में आया तो पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा या जाएगा। अगर अपने प्रैक्टिकल्स चैलेंजिंग हुए डिस्क्रिप्टिव वाले में, देन इन दैट केस थियोरी विल ऑलवेज कम टू यू एज अ रेस्क्यू। सो इसको बराबर से करके जाना है। एंड ऑन टॉप ऑफ डिमांड हियर वी हैव फुल एएफएम थियोरी क्विक रिवीजन लाइव ऑन यूट्यूब करने वाला हूं। भाई मेरा बर्थडे है 16 अक्टूबर को, तो उसको तो टाइम है अभी, मैंने सोचा उसके पहले ही आप लोगों को रिटर्न गिफ्ट दे देता हूं। सो 14 अक्टूबर मॉर्निंग 7:30 AM YouTube चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलेगा मेरे साथ लाइव आने का मौका, जहां पे अपन लोग पूरा का पूरा थियोरी, जो अदरवाइज आपको नींद आ जाएगी, आप अदरवाइज एफर्ट लेके नहीं कर पाओगे, क्विक लेवल पे अपन लोग कर देंगे, कीपिंग द टाइम इन माइंड एज वेल। ऑलराइट गाइस, सो ये आप लोगों को आना है। एंड एट द सेम टाइम जो नॉन थियोरी चैप्टर्स है, जो इंस्टीट्यूट ने ये बार अपने को एक हिंट दिया है कि बॉस ध्यान रखना, तो वो हिंट को फोकस करते हुए 9th to 13th अक्टूबर, विच इज प्रॉब्ली फ्रॉम टुमारो, मैं आप लोगों को करवाऊंगा नॉन थियोरी चैप्टर्स। ये मैं रिकॉर्डेड सेशंस डाल दूंगा। सो ये मेरा भी रिकॉर्डिंग मैं कल से स्टार्ट करूंगा। तो एमएनए, आईएफएम, आईआरआरएम, म्यूचुअल फंड, जो भी चैप्टर्स में मुझे लगता है कि यार थियोरी आ सकता है, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को डाल दूंगा। राइट गाइज, सो दिस इज वॉट यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। कैसा लगा बर्थडे गिफ्ट वो भी आपको बताना है, साथ में बताना है मेरा दिल वाला एज, ठीक है? जो सबसे बेस्ट कमेंट लिख के देगा फॉर टॉप 3 लोगों को हो सकता है कुछ अमेज़न के वाउचर्स मिल जाए। सो देख लो आप लोग के ऊपर है आगे की बात है। ओके ऑल्सो वन मोर थिंग के नोट्स एंड एवरीथिंग कहाँ पे मिलेगा, उसके पहले इन केस आपके कोई फ्रेंड्स है गाइस या जूनियर्स है जिनको एएफएम में अब आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वही लेवल का, उनको अगर रेगुलर बैच पे स्टार्टिंग से ही सब बेनिफिट मिल जाए, यू कैन डेफिनेटली प्लीज रिफर देम माय लेक्चर। सो 7 AM to 10 AM अभी लाइव बैच चालू है, इन केस आपको कोई लाइव बैच दे वांट टू अटेंड, एंड इन केस दे वांट रिकॉर्डेड बैच तो इसी का रिकॉर्डिंग भी उनको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 225 आवर्स। जिनका भी अटेम्प्ट May 25 एंड बियॉन्ड है, यू कैन डेफिनेटली रिफर देम, विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम एंड फॉर मी। उनको ऑप्टिमाइज एंड मैजिक बुक दोनों से पूरा इन डेप्थ वे में पढ़ाया जाएगा, एंड आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू देम। एनीवेज, नोट्स की अब अगर मैं बात करता हूं तो webuket.in पे फ्री रिसोर्सेज सेक्शन है। सो यहाँ पे जब आप लोग webuket पे जाएंगे तो ये देखो आप लोगों को यहाँ पे एक फ्री रिसोर्सेज का सेक्शन दिखेगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन सी ए फाइनल, एंड यहाँ पे आपको नोट्स मिलना चालू हो जाएंगे। अभी तक नोट्स अपलोड नहीं किए, बट एज एंड वेन दे आर रेडी दे विल बी अपलोडेड देयर। प्लस मेरा जो टेलीग्राम चैनल है गाइज, प्लीज
इसको ज्वाइन कर लो, मैं नीचे कमेंट्स में इसका लिंक दे रहा हूं। एवरी डे फ्री एमसीक्यूज ऑफ ऑल चैप्टर्स आर बीइंग पुट अप हियर, सो डेली 10-10 एमसीक्यूज, कुछ इजी, कुछ एवरेज, कुछ हाई लेवल डिफिकल्ट क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं जैसा एग्जाम इंस्टीट्यूट पूछता है, सो ऑल ऑफ दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइज। ठीक है, सो दिस वॉज अ शॉर्ट अनाउंसमेंट, आई थिंक काफी आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा, और कुछ आपको चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट देख रहा था तो स्टूडेंट लोग ने एक मुझे बोला है कि आपको यील्ड कर्व के ऊपर एक लेक्चर चाहिए, सो अगर ये चाहिए कि नहीं मुझे बता दो, क्योंकि इसके ऊपर एक एमटीपी पे क्वेश्चन आया, फिर बाद में शिकागो कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एमटीपी में क्वेश्चन आया है, सो याद है आपको अभी एक वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड एसेट्स यही सब के ऊपर बहुत सारा थियोरी वो लोग ने डालना चालू किया है, बस ये इसी की बात कर रहा हूं मैं, यही सब चीजें अब मैं आपको करवाने वाला हूं क्विक लेवल पे, यहाँ पे नॉन थियोरी चैप्टर्स का। ऑलराइट गाइस, वैसा सो ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कमेंट करना है, खुश रहना है एंड बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। ठीक है, लेट्स बी दिस आर लास्ट अटेम्प्ट, नाम के आगे सीए लगना ही चाहिए ये अटेम्प्ट में, इतना अच्छा मेहनत करते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ एक सब्जेक्ट है which will help you to ensure के बाकी सब average और वो सब का काम पूरा का पूरा निकल जाए। I hope आप लोगों का practical वाला जो मैंने Q&A live लिया था वो sessions अच्छे चल रहे हैं। Thanks a lot for the amazing response guys. Really really blessed and thankful for all of the love that you are showing. So practical question and answers का है, जो formulas है उसका भी मैं दे चुका हूँ, उसका भी मैं बना चुका हूँ, so वो भी I am sure आप लोग follow कर रहे हैं। ठीक है, चलो time for video से hasta la vista guys. Keep smiling. Thank you so much. Take care and bye-bye.